नमस्कार आप सभी को। बच्चों, आज हम दोहे पढ़ने जाएंगे बिहारी के। कक्षा 10वीं का है। काव्य खंड में दोहे, कविता, कुंडलियां, पद रचे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे बिहारी के दोहे। कवि है बिहारी जी। दो कवि बिहारी, जन्म सन 1595, जन्म स्थान ग्वालियर और उनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। जीवन परिचय। बिहारी रीतिकाल के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे मुख्य रूप से श्रृंगार कवि थे। उनका जन्म ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर गांव में सन 1595 ईस्वी में हुआ था। वे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ये बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में कवि थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने सतसई की रचना की। सतसई, इसका अर्थ हम आगे जानेंगे। सतसई बिहारी राजश्री होते हुए भी स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, अतः उन्होंने कोई भी प्रशंसात्मक काव्य नहीं लिखा। 1663 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। देखिए यहां पर चित्र में बिहारी दरबार के कवि थे। इनकी रचनाएं, बिहारी ने अपनी सारी प्रतिभा एक ही पुस्तक में निर्माण में लगा दी, जो साहित्य जगत में बिहारी सतसई। इससे पहले मैंने कहा था ना, आगे हम सतसई का देखेंगे क्या होता है उसका अर्थ। तो यहाँ उनके दोहे बिहारी सतसई नाम से विख्यात है। इसमें 700 दोहे हैं, इसलिए इसको सतसई कहा जाता है। प्रत्येक दोहा का भाव्य गांभीर्य को देखकर पता चलता है कि बिहारी में गागर में सागर भरने की क्षमता थी। गांभीर्य यानी गंभीरता पूर्वक इनके दोहों के अर्थ हुआ करते थे। गागर में सागर भरने की क्षमता इनमें होती है। क्षमता यानी उनकी जो कैपेसिटी है, गागर में सागर। तो छोटा सा घड़े में पूरी तरह से, गागर यानी छोटे से घड़े को कहते हैं, उसमें पूरा सागर समा जाता है। यानी इनके दोहे छोटे होते हैं लेकिन अर्थ और गहन गंभीर होते हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है, यानी श्रृंगार रस के कवि थे। इन्होंने अधिक सामग्री श्रृंगार से लिया है अपने दोहों में। पाठ प्रवेश देखिए। माछी पोछी चमकाए युत प्रतिभा जगत अनेक, धीरग जीवन विविध सुख रचित सतसही एक। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है, वो है बिहारी सतसही। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थव्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसई के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। दिखने में छोटे रहते हैं दोहे, दो ही लाइन के, और बिहारी के तो बहुत ही छोटे अर्थ, लेकिन घाव करे गंभीर, यानी भाव उनके गंभीरात्मक होते हैं।
बिहारी की भाषा, मानक ब्रजभाषा है इनकी। इनकी दोहों में ब्रजभाषा के हमें शब्द अधिक दिखाई देते हैं। सत्संगी में प्रमुख्यतः प्रेम और भक्ति के सागर भिड़त गहरे अर्थ दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ सत्संगी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। अब हम दसवीं कक्षा के कुछ दोहे पढ़ें। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं। बार बार मैं बता रही हूँ, बिहारी श्रृंगार रस दोहों के लिए जाने माने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सभी प्रकार की छटाएं हैं। छटाएं यानी सभी प्रकार, श्रृंगार है, भक्ति है, प्रेम है, इन सब का मिलन है, उसे छटाएं कहते हैं। तरह तरह के, अनेक प्रकार के। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। दोहे। सोहत ओड़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। देखिए कि इनके दोहों का अर्थ बहुत गहरा होता है। सोहत ओडियो पीतु पटु श्याम सलोनो गात। सोहत यानी यहाँ अच्छा लगता है। क्या क्या है यहाँ पर अच्छा लगता है? यहाँ ओड़े पीतु, श्याम जी जो ओड़ा है, पीला वस्त्र धारण किया है, सांवले शरीर पर, गात यानी शरीर पर, मानो नीलमणि शैल पर। नीलमणि यानी एक पर्वत का नाम है नीलमणि। अपितु धूप प्रभात की, प्रभात यानी सवेरा, सुबह, प्रातकालीन की धूप, इसका अर्थ जानेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी द्वारा रचित है। यह दोहा उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सत्संगी से लिया गया है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। बिहारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी नीलमणि पर्वत पर प्रातकालीन की सवेरे की धूप पड़ रही हो। तो उन जो श्री कृष्ण यहाँ पहने हुए है ना, कमर पर पीतांबर, पीले वस्त्र को धारण करने वाला पीतांबर कृष्ण, नीले यानी गात शरीर, देखिए उनका नीला सा, ऐसे लग रहा है सूरज की पहली किरण इस नीलमणि पर्वत पर गिर रहे, ऐसे प्रतीत हो रहा है। दूसरा दोहा। कहलाने को एकत बसत है ही मयूर मृग बाघ, तपो बन जगत जगतु तपो बन, सौ कियो धीरग धाग निधाग। यहाँ पर कवि कह रहे हैं इस दोहे में पूरा वन तपोवन है। देखिए, कहलाने को एकत इकट्ठे बसत रहते हैं सब लोग, अही सांप मयूर मोर मृग यानी जीव जंतु, सारे जंगल के हिरण बाघ, जगत तपोवन, जगत यानी सारी दुनिया, सारा विश्व संसार तपोवन है, यानी वह वन जहां तपस्वी रहते हैं उसे तपोवन कहते हैं, यानी जंगल का वातावरण। सो कियो धीरग धाग प्रचंड ताप निधाग, ग्रीष्म ऋतु का, इसका भावार्थ हम जानेंगे। यहां पर देखिए चित्र में बताया गया है ग्रीष्म ऋतु के कारण। इस दोहे में रचित दोहा उनके प्रसिद्ध ग्रंथ प्रसंग, मैंने पहले जो बोला था वही है। यहां पर ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार का वन, पेड़ पौधे, वातावरण होता है उसे बताया गया है।
कवि बिहारी स्वयं प्रश्न करते हैं कि किस कारण से सांप, मोर, हिरण और बाघ एक स्थान पर इकट्ठा हो रहे हैं। इस प्रश्न का स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि शायद इसका कारण भयंकर गर्मी का होना है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत भयंकर गर्मी होती है तो सारे जीव जंतु बाहर निकल आते हैं। लंबी ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के सारे जंगल को एक तपोवन के समान बना दिया है, जहां ये सारे जीव अपने वैर भाव को त्याग कर, भूल कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। ग्रीष्म ऋतु के ऋतु पर तीसरा दोहा, तीसरा बहुत अच्छा दोहा है। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौ हनु हसे देन कहे नटी जाई। यहां पर बरसत बातें करने का आनंद, लालच लालच लाल की मुरली, लाल यानी यहां पर श्री कृष्ण को कह रहे हैं, मुरली बांसुरी धरी रख दी है लुकाई छिपा कर गोपिया, साह कसत करे सौ नटी जाए मना कर देना। गोपिया देख किस तरह से कृष्ण से, इसका भी जानेंगे हम। प्रस्तुत दोहा कविवर नायिका यहां पर सतसई से लिया। इसमें उन्होंने बताया है कि नायिका ने अपने प्रिय से बात करने के बांसुरी नहीं, कहती है कि उसकी बांसुरी नहीं छिपाई, श्री कृष्ण उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, किंतु तभी नायिका भवें घुमाकर हंसने लगी। श्री कृष्ण को उस पर संदेह हो गया और वह फिर से नायिका को अपनी बांसुरी देने के लिए कहते हैं, गोपिया कृष्ण हमसे बातें करें, नायिका उनसे, इसीलिए वो कृष्ण की बांसुरी को छिपा कर रख देती है। तो सिर्फ और एक नायिका भवों से, भवे यानी एब्रो से इशारा करती है, तब पता चलता है कि बांसुरी इन लोगों ने छिपा कर रखी है। चौथा दोहा, कटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियाए, भरे मौन में करत है नैननु ही सब बात। इस दोहे अक्सर गाया जाता है, मैं गा करके, कहत नटत रिजत खिजत मिलन खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। यहां पर इनकार करना, मुग्ध होना, मिलना, बिछड़ना, छिड़ना, खिलत प्रसन्न होना, लज्जा शर्माना, भौन भवन में, नैनो नैननु नेत्रों के द्वारा, आंख के द्वारा। प्रसंग यहां पर प्रस्तुत दोहा प्रसिद्ध रीतिकालीन बिहारी रचित द्वारा, उन्होंने नायक और नायिका की आंखों आंखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर चित्रण किया गया है। चित्रण करना यानी सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि नायक नायिका की आंखों से कुछ संकेत करके कुछ कहता है, परंतु नायिका संकेत से इनकार कर देती है। नायिका के इनकार करने का ढंग कुछ ऐसा है कि नायिका मुग्ध हो जाती है, यह देखकर आंख के इशारों से अपनी खिज प्रकट करती है। उसकी यह खिज बनावटी है। थोड़ी ही देर में जब पुनः उसकी आंखें मिलती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठते हैं और लज्जा जाते हैं। इस प्रकार भीड़ भरे घर में भी नायिका नायक नायिका घर या भवन में भी आंखों ही आंखों में बातचीत कर लेते हैं। घर के अन्य लोगों या तो सदस्यों या सभा में उपस्थित जनों का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। नैनन की भाषा, बैठी रही अति सघन बन
पैठी साधन तन, देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती चाह। यहां से फिर इस दोहे में घने जंगलों, जून का महीना, जेठ की दोपहरी, यानी जून के महीने में बहुत जेठ की दोपहरी, दोपहर के समय धूप बहुत रहता है, उस समय छाया भी अपनी छाया ढूंढने लगती है, यानी अधिक गर्मी होने के कारण। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सतसई से लिया गया, इस दोहे में उन्होंने गर्मी की भयंकरता को सुंदर चित्रण किया है। एक नायक नायिका के घर आया हुआ है। नायिका उसे गर्मी की प्रचंडता का वर्णन करके उसे अपने पास ही रोक लेना चाहती है। नायिका नायक से कहती है कि जेठ मास की इस दोपहरी इतनी भयंकर गर्मी है कि गर्मी भी छाया अपनी छाया स्वयं ढूंढने के लिए निकलती है। इसी कारण छाया या तो घने जंगल में है या घरों के भीतर छिपना चाहती है। भाव यह है कि गर्मी बहुत अधिक है, जिस कारण गर्मी से घबराकर छाया भी छाया ढूंढ रही है, वही वह भी छिपना चाहती है। देखिए यहाँ पेड़ है, गर्मी के कारण ये पेड़ की छाया भी छाया ढूंढने लगती है। तो आज हम बिहारी के दोहों का बहुत ही अच्छी तरह से, उन दोहों के गहरे अर्थ को जाना, उन दोहों में किस प्रकार के ऋतुओं के बारे, श्रृंगार रस प्रेम के बारे में जाना। तो हम यहाँ पर बिहारी जी के श्रृंगार रस दोहों को पढ़कर पता चलता है कि ऋतुएं किस प्रकार की होती है, और वो उस समय ऋतु का या तपोवन में किस प्रकार के जीव जंतु एक सामान्य हो जाते हैं। इन सब को वर्णन करते हुए दोहों में बहुत अच्छी तरह से हमें दिया है। और इन दोहों का आशय स्पष्ट कीजिए अगर आया तो, आप लोगों को इनमें मैंने प्रसंग और उसका संदर्भ और व्याख्या किस तरह से लिखा जाता है वह भी मैं आपको यहाँ पर बताया, ना कि भावार्थ ही लिखा, प्रसंग किस तरह से लिखा जाता है, संदर्भ किस तरह से होता है, यानी प्रसंग के बाद संदर्भ आता है, तो क्या चल रहा है उन दोनों दोहे में, किस के बारे में संदर्भ चल रही है उसको बताया मैंने, और उसका भावार्थ भी आपको बताया, साथ ही साथ शब्दों के अर्थ हमने जाने। और कुछ शब्द हैं गिरी पर्वत, नीलमणि पर्वत, पर्वत यानी गिरी पहाड़, पर्यावाची शब्द भी आए, तन, तन यानी शरीर काया बदन, पीतांबर पीत वस्त्र कृष्ण, यहां पर समास भी आया आपको, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीतांबर पीले वस्त्र को धारण करने वाला, तो यहां समास आ गए, नीलमणि पर्वत का नाम आ गया, नीले पर्वत को नीलमणि कहते हैं। नायक नायिका के कृष्ण की बांसुरी छुपाना, तो इस तरह से हम इस इन सारे दोहों को बिहारी के पढ़कर समझकर हम लोग आगे के देख चुके हैं। समझ में आया तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।